लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि क्या ये बाइक नीचे स्क्रेप होती है, बिकॉज इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 150 mm है। ये आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे पीछे से कोई नहीं आ रहा है। ये मैंने ज़ोर से ली, स्वागत है आपने नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो फाइनली मैं लेके आया हूँ हंटर वापस से अपनी चैनल पे, बिकॉज मेरा जो मेन रिव्यू था जो मैंने ऑलरेडी इसका एक डिटेल राइड रिव्यू बनाया उसमें से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि क्या ये बाइक नीचे स्क्रेप होती है, बिकॉज इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 150 mm है। और बहुत सारी दूसरी बातें भी थी जो मैं आज इस सभी का क्वेश्चन का आज जवाब देने वाला हूँ बाइक चलाते चलाते। और आज इसका हम लोग करने वाले एक प्रैक्टिकल टेस्ट, बिकॉज आप देख सकते हो मैं ऐसे एक सिनेरियो में चला रहा हूँ जहाँ पे हम लोग डेली चलाते हैं बाइक को, रास्ते जो है वो टूटे हुए हैं, तो यू नो समझ सकते हो कैसी सिचुएशन है आज। और व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड इश्ना व्हील्स जिन्होंने जो मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड की है। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बाइक के कंफर्ट की, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बाइक जो है सिटी में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। बट सिटी में आप देख सकते हो मेरी सिटी की हालत इतनी ख़राब है नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ, इतनी ख़राब है। सो कंफर्ट जो है इस मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसके जो फुटपैग्स है वो हल्के से आपके कमर के नीचे आते हैं और हल्के से पीछे की साइड जाते हैं, मतलब एकदम ही एक्सट्रीम वो आपको स्पोर्ट्स नेकेड वाली फील यहाँ पर नहीं मिलेगी, बट एक रोडस्टर वाली फील तो 110% मिल जाएगी। ये देखिए आंटी अभी बाहर आई है ना, तो और इसके जो हैंडल बार्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो अगर आपकी हाइट मान लो मेरे जितनी है 5'10" तो आपको जो है ना आगे सिर्फ 1 या 2% झुकने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ओवरऑल आपको इतना ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ब्रोकन रोड्स, बाकी आगे आपको जो इतना ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ यस इट इज़ अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन। और दूसरी बात इसकी जो टैंक की शेप है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम है, तो आपके थाई जो है काफ़ी मज़े से अंदर टकिन हो जाता है। सो ये है इसका सिटिंग पोजीशन। ये देखो स्पीड ब्रेकर आया, ये बाइक स्क्रेप नहीं हुआ, बिकॉज कल जो मैंने डिटेल राइड रिव्यू दिया था वहाँ पे मैंने कट डाल दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि बाइक स्क्रेप कर गया, बट बाइक जो है स्क्रेप नहीं करता है। और मैंने जो है अभी रिसेंटली देखा था दो लोग इस पर टेस्ट राइड ले रहे थे, फिर भी बाइक जो है स्क्रेप नहीं किया। सो आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैं आपको ज़ोर से भी एक और बार लेके दिखाऊंगा। और अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो भाई इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज दिस इज़ दी लाइटेस्ट रॉयल एनफील्ड, सबसे लाइट रॉयल एनफील्ड है ये, तो आपको जो ना ट्रैफिक में ज़्यादा ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज क्लासिक और मीटियर का ना आपको थोड़ा वजन लगता है, तो कभी कभार क्या ना आपको शार्प टर्न वगैरह लेने उसके लिए थोड़ी मुश्किलिटी हो जाती है, बट इस पर वैसी बात नहीं। देखो स्पीड ब्रेकर, और एक बार ये इतना ज़ोर से लिया मैंने ठीक है, तो ऐसी वाली बात है। सो यस द हैंडलिंग इज़ वेरी ईजी लाइट वेट की वजह से, और साइड व्यू मिरर्स जो है काफ़ी अच्छा खासा व्यू दे देता है। और मेरी जो हाइट है वो है 5'10", मेरे दोनों पाँव नीचे टिकते हैं, बट इस मोटरसाइकिल के लिए मुझे लगता है कि आपको कम से कम लगेगा 5'6" 5'7" जितनी हाइट लगेगी, 5'4" मैं कैमरा बंद करने वाला था पर मेरा सिग्नल ही खुल गया है, चलो। और इसकी जो गियर शिफ्ट्स है ना मुझे वो बहुत पसंद है ये, बिकॉज सिटी में क्या है ना बार बार आपको गियर अप डाउन करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, और टॉल गियर पे भी जो है बाइक चल जाती है। अभी मेरी बाइक जो है सेकंड गियर पे, मैं ऑलमोस्ट 20-40 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड पे चला रहा हूँ, इंजन जो है इतना नॉकिंग वगैरह नहीं करता है, और गियर शिफ्ट भी आसानी से हो जाती है, हॉर्न भी लाउड है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और इसका इंजन भाई मैं बोल सकता हूँ ये नया वाला इंजन है 350cc का, वही सेम जो आपको मीटियोर में मिलता है। सो जे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, तो इंजन इज़ वर्किंग वेल सिटी कंडीशंस के लिए। यस आपको ये सिटी कंडीशंस के लिए बहुत पावरफुल लगेगा, बिकॉज एक 350cc का इंजन है, बट जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है ना वो एकदम काफ़ी ज़्यादा कड़क है। ये मेरा जो है वाइजर फॉग कर रहा है, बट इट्स ओके, ये देखिए ये बहुत ब्रोकन रोड्स है पर अच्छा खासा ये पुल कर लेती है। सो यस द इंजन इज़ परफॉर्मिंग वेल, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अभी यहाँ पे ना हम लोग थोड़ी प्रैक्टिकलिटी देख लेते हैं, ये देखिए इसका टर्निंग रेडियस इतना लंबा खासा है, तो आपको अगर हल्लू ऐसा लेना है तो आप आसानी से ले पाओगे, है ना। ए यहाँ से मैं पतली गली से निकालने की कोशिश करता हूँ, ये टूटा हुआ रास्ता,
और बहुत लोग मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा है, बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा है कि इसका जो क्लच को लेकर लोग जो है बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं, थोड़ा हार्ड साइड पे इसका क्लच लोगों को लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो तो आपको इसका क्लच हार्ड नहीं लगेगा, जबकि इसका क्लच हार्ड है, बट क्योंकि इसका जो ये जो लीवर्स यूज़ किए हैं लोगों ने वो काफ़ी ज़्यादा यू नो बड़े हैं, तो प्रेस करने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती, ये देखिए ऐसा है। और मुझे लगता है जैसे आप यूज़ टू हो गए ना तो इसका क्लच ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएगा, या तो फिर आप करवा भी सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। सो यस, यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा मैं, बट मेरी बाइक निकलेगी नहीं बिकॉज जगह ही नहीं है। दादा थोड़ा आगे जाएगा, थैंक यू थैंक यू। ये देखिए ये आया ब्रोकन रोड, थोड़ा जोर से लूँगा मैं यहाँ पे, आई ओके। और इसके जो सस्पेंशन है आर ऑन द स्टिफर साइड, ठीक है, आपको अगर आप बहुत जोर से लोगे ना तो आपको झटके लगेंगे, बिकॉज पीछे आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, वो थोड़े हार्ड सेटिंग पे है, और फ्रंट वाले जो है वो मीडियम सेटिंग पे है। सो वैसी वाली बात है। सो मैं ना आपको एकदम ही प्रैक्टिकल वे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इससे अच्छा मैं आपको फुटेज दे नहीं पाऊँगा, बट आई थिंक इसका जो रोड प्रेजेंस है ना वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये देखो मैं इसकी ये वाली स्पीड ब्रेकर की बात कर रहा था, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा ज़ोर से लूँगा, जाने दो गाड़ी को, जाने दो। ये देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे पीछे से कोई नहीं आ रहा है, ये मैंने ज़ोर से ली, ये देखिए मैं पूरा खड़ा होके उछल गया, बट बाइक ने स्क्रेप नहीं किया। तो अभी आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो रोड के कंडीशंस जो है वो इतने ख़ास नहीं है, वेट है, तो बाइक जो है ग्रिप अच्छा खासा प्रोवाइड कर रही है, तो वो मुझे पसंद आया। और ब्रेकिंग भाई, इसके ब्रेक्स मैंने अपने डिटेल राइड रिव्यू में अभी बताया था कि इसके ब्रेक्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको ब्रेकिंग को लेकर तो यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखे खड्डे ही खड्डे, बट यस द बाइक इज़ मैनेजिंग वेल, ये मैं बोल सकता हूँ। और हीटिंग की अगर मैं बात करूँ इस बाइक में ना, अगर आप बहुत देर तक खड़े रहोगे किसी जगह पे, बहुत देर तक चलाए, मतलब मान लो आपका इंजन जो है गर्म हो चुका है, तो आपको आपके पाँव में थोड़ा सा हीट फील होगा, पर अगर मोशन में रहेगा तो हीट फील नहीं होगा। बट मेरी मानो तो कभी भी बाइक चलाओ तो जूते वगैरह पहन के चलाओ, चप्पल वप्पल में बाइक मत चलाया करो। ये देखिए एक खड्डा, ओके सो आई फील मैंने ना ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इस बाइक के प्रैक्टिकलिटी को लेकर। अभी मैं ना आपको एक मेरा वर्डिक्ट दे दूँ कि क्या आप इसको रोज़ चला सकते हो या नहीं, या कि आपका डेली ड्राइवर बन सकता है। सो मेरा आंसर है यस, ये बन सकता है, स्पेशली अगर आप एक यंग हो, यंग कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर कुछ भी हो, मैं मानता हूँ कैसा कोई भी, और आपको एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली बाइक चाहिए। सो आई थिंक आपको जो है ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए, यानी इसको आप डेफिनेटली रोज़ चला सकते हो। एक डेफिनेटली एक हेड टर्नर है, लुक वाइज आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लाइटेस्ट है, हर कुछ वो हर एक वो चीज़ है जो एक यंगस्टर एक अपनी रॉयल एनफील्ड में चाहेगा। सो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, और अगर अभी भी अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड द व्लॉग यार, थैंक यू, अभी भी मुझसे पूछ लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, थैंक यू सो मच, दिस इज डीबीएस व्लॉग साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।